नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक्सीडेंट के दौरान बाइक में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई एवं दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं ग्राम भरोला निवासी एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दोनों घटनाओं में ड्यूटी डॉक्टर ऋषभ ने बताया कि ग्राम भरोला निवासी गुड्डा यादव को मृत अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ पीएम कार्रवाई के बाद शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। एवं बांधवगढ़ ताला रोड पर एक्सीडेंट के दौरान खलेश्वर मोहल्ला निवासी बलराम कोरे नामक युवक को मृत अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया एवं पीएम कार्रवाई के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों के सुपुत्र कर दिया गया है। एवं भरोला निवासी मृतक युवक के परिजनों ने बताया कि लापता गुड्डा यादव का शव 48 घंटे के बाद खेत पर मिला है। वही कृषि कार्य के लिए घर से अपने खेतों पर गया था और घर वापस नहीं आया, जिसकी तलाश की गई एवं उसका शव खेत पर मिला है। वही दोनों घटनाओं की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची एवं मार्ग कायम करते हुए मामले की जांच कार्रवाई जारी है। इस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। उसकी मौत हो गई। और उसी दिन रात पानी गिरा तो पानी आज पानी खाली हो तो आज ताला गए थे और ताला से लौटते समय धमोखर पुल के पास इनका एक्सीडेंट हो गया। 2 बजे हमको खबर मिली और जाके देखे तो वहाँ पे मृत्यु हो गई थी बलराम कोरी की, और दो लोग अभी सही हैं तो हाथ पैर उनका टूटा है। तो ताला से लौट रहे थे धमोखर पास, पुल के नीचे इनकी लाश मिली जी। हम लोग 2:30 बजे रात यहाँ से गए, उसके बाद अभी सुबह लेके जिला हॉस्पिटल लेके आए बलराम कोरी, जिसकी वहीं पे तुरंत डेथ हो गई। और दो लोग यहाँ उमरिया जिले में, हाथ पैर उनका टूटा हुआ है, वो भर्ती हैं, इसके बाद चल रहा है। ये साला हमारा लड़का है, खेत गया था वहाँ बिजली गर्ज लपका है, वहाँ दुर्घटना इसके भाई है पानी में। तक लड़का सब यहाँ रिश्तेदारी में सूचना भाई है, तब हम आए हैं वहाँ से, फिर उमरिया लेके यहाँ गाड़ी गई थी। अब लेके बलराम कोरी गया था ताला तो वहाँ डिस्क का काम करते हैं, तो वहाँ से डिस्क लगा के आ रहे थे। तो बलराम कोरी के दोस्त लोग मिल गए वहाँ से, फिर वहाँ से आए सीधे, तो यहाँ आ रहे थे तो कोई वाहन कट मार के कर हो गया, तो उनको गाड़ी अलविदन हो गई, वहाँ जाके सीधे खाई में पुल के नीचे गिर गए। वहाँ पता नहीं ताला में एक और लड़का को आगे कमी हुई, जब ये लौट रहे थे भरास मोड़ के आसपास टर्निंग में सामने से कोई वाहन आया, टर्निंग में गाड़ी कंट्रोल नहीं कर रहा और ये सीधे नाले में गाड़ी घूम गई। मेरा भाई वो गुड्डा यादव, वो गया था खेत में यूरिया डालने दोपहर में, उसी समय वो बादल तलका है वहाँ पास हो गिरा, उसकी मौत हो गई। फिर वो अपन आज देख पाए खेत में बिजली चल अपने के कारण उसकी मौत हो गई। हम लोग ढूंढ रहे थे तो वो नहीं मिला, फिर जब आज खेत का पानी खाली हुआ गए खेत में तो वहाँ पर उसकी लाश पड़ी हो गई। रास्ते में ठोकर दी थी तो उनकी गाड़ी बह गई, एक्सीडेंट हो गया रास्ते में लौटते समय, ये किसी काम से गए थे वहाँ से बाइक से वापसी में, उनकी बाइक दुर्घटना हो गई इसीलिए कट मारा बाइक में। तो जो गाड़ी वाहन था जिसका, वो उन्होंने मतलब चला रहा था तो कंट्रोल नहीं कर पाया, तो गाड़ी वाले उनका गाड़ी मतलब खाई में पड़ा नीचे, बाइक चालक। बड़े ही एक दुखद घटना है, चिंता का विषय है कि हमारे देश में, प्रदेश में और हमारे जिला उमरिया में लगातार बिजली आकाशीय गिर रही है, जिसके कारण में एक किसान काम करते हुए अपने खेत में भरोला निवासी 2 दिन बाद मृतक पाया गया। उसका पोस्टमार्टम का क्रिया चालू है और उसके परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश दे दी गई। इसी के साथ साथ खलेसर निवासी 3 लोग ताला मानपुर तरफ से आ रहे थे, अज्ञात वाहन ने उनको ठोकर मारा जिसके कारण वो रोड के नीचे पुल के किनारे गिर गए, जिसमें से एक व्यक्ति मृतक हो गया और 2 व्यक्ति घायल है, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाया गया, उनका उपचार चल रहा है और उसके भी पोस्टमार्टम करके उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चिंता और दुखद का विषय है कि वाहन चलाने वाले ये नहीं देखते हैं कि हमारे जैसे सबके परिवार है और हम भी हैं,
और किसी को वाहन चलाने में अनियंत्रित करके लोगों को परेशान करते हैं। इस तरह से मौतें होती हैं। सभी लोग सावधानी के साथ यातायात नियमों का पालन करें। बताए हुए पालन के अनुसार में धीमी गति से अपने अपने वाहन को चलाएं और सुरक्षित रहे। अभी भरौला में एक व्यक्ति की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई है। वहीं दूसरी तरफ बांधवगढ़ नेशनल पार्क में देखा गया कि तीन लड़के उमरिया की तरफ आ रहे थे और किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिसमें एक सज्जन की मृत्यु हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको कि जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। व्यक्तियों को जिला चिकित्सालय में शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया और पोस्टमार्टम करने के उपरांत उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। वासियों से एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि इस समय जो है तो बारिश का मौसम हो रहा है और बारिश के मौसम के चलते आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना रहता है। जहां तक हर संभव हो सके सभी व्यक्तियों से निवेदन है कि वे सुरक्षित स्थान पे ही रुकें, कहीं खेत बाड़ी में या पेड़ के नीचे रुकने का प्रयास बिल्कुल भी न करें। वहीं सभी युवा साथियों से मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा वाहन को, जैसे बरसात का मौसम है, गाड़ी स्लिप होती है, लाइट भी सामने की पड़ती, सामने वाले की गाड़ी की लाइट पड़ती है, उससे भी आदमी देख नहीं पाता है, तो सुरक्षित थोड़ा वाहन चलाएं, जिससे अपनी तो रक्षा करें ही साथ में अपने परिवारजनों का भी रक्षा करें और समाज की भी रक्षा करें, ऐसा मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं। मृतक बुड्ढा यादव, पिता महेश यादव, उम्र 27 वर्ष, निवासी भरौला, थाना कोतवाली, उमरिया, को मृत अवस्था में जिला अस्पताल उमरिया में 11 बजे लाया गया। मृतकों के परिजनों द्वारा यह बताया जा रहा है कि मृतक पिछले एक दिन से गायब था और मृतक का शव पानी में मिला। मृतक का पोस्टमार्टम मेरे द्वारा किया गया है एवं पोस्टमार्टम पश्चात मृतक मृत्यु का कारण जारी किया जाएगा। राम कोरी, पिता श्री राम कुमार कोरी, उम्र 29 वर्ष, निवासी खलेसा, थाना उमरिया, वार्ड नंबर 9, मृत अवस्था में 25 जुलाई 2021 को सुबह 3:25 पर लाया गया। मृतक के परिजनों द्वारा बताया गया कि मृतक का